press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Two solid rubber balls A and B having masses 400 gram and 400 gram respectively are moving in opposite direction with velocity of A equal to 0.3 meter per second. After two balls comes to rest, then the velocity of B is optional R minus 0.15 meter per second, minus 0.30 meter per second, 1.5 meter per second and 3.0 meter per second. So here दो बॉल है, मान लीजिए दो बॉल है और एक बॉल इधर आ रही है, दूसरा बॉल इधर आ रही है. इसका मास 200 ग्राम है, इसका मास 400 ग्राम है. ये वेलोसिटी ये ए है और ये बी है. इसका वेलोसिटी u1 है, ये u1 जो है यहां पर 0.3 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड है और u2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है. दूसरा, टकराने के बाद दोनों क्या हो जाता है, v1 और v2 दोनों का वैल्यू 0 हो जाता है. तो ये बिफोर कोलिजन है, टकराने के पहले, और आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के पहले और टकराने के बाद का सिचुएशन है. तो यहां पर जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है. तो इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के पहले उसका कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग के बराबर होगा. यानी यहां पर m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 formula से सॉल्व करना है. तो m1 कितना है, 200 ग्राम है, into u1 कितना है, 0.3, और यहां पर plus m2 कितना है, 400 into u2 is equal to, ये हो जाएगा 0. तो यहां पर u2 is equal to क्या हो जाएगा, u2 is equal to minus of 200 into 0.3 upon 400. जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये 2 आ जाएगा और 0.3 को u2 से डिवाइड करेंगे तो minus 0.15 meter per second. तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, minus 0.15 meter per second. और माइनस साइन ये शो करता है कि दोनों का जो डायरेक्शन अपोजिट है, अगर ये इधर जाती है तो ये इधर आए. ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v मेक्स ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिशन विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास इनिशियली एट रेस्ट. द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर द कोलिशन विल बी, ऑप्शंस आर 0, v, 2v एंड 3v. यहां पर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है और इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और ये u1 वेलोसिटी से चलता है, ये u2 वेलोसिटी से चलता है. टकराने के बाद इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है और इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है. तब जो फार्मूला होता है v1 is equal to after collision में जो velocity होगा, a का जो velocity होगा वो formula होता है v1 is equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 upon m1 plus m2. ये formula है, अगर दोनों का mass same m m1 is equal to m2 is equal to यहां पर m है, तब ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा. यानी v1 का वैल्यू u2 के इक्वल होगा. तो यहां पर दिया है इसका वेलोसिटी है v इनिशियली और इस ये जो है इसका वैल्यू है u2 का वैल्यू है 0. यानी v1 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, मतलब आफ्टर कोलिशन जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0. यानी फर्स्ट पार्टिकल जो है
उसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज होगा। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, देन द परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस इज 25%, 50%, 75% एंड 100%। यहां पर क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से 2 मीटर हाइट से एक बॉल को गिराया जाता है। जब इस बॉल को गिराया जाता है, इसका मास अगर m है, गिराने के बाद ये रिबाउंड होता है। रिबाउंड मतलब वो टकरा करके जब यहां पर आता है, टकरा करके ये यहां तक पहुंचता है, यानी यहां पर ये 1.5 मीटर ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। तो यहां पर जो जो हिट हुआ, मतलब यहां पे जब टकराया तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, इसको फाइंड करना है। तो यहां पर अगर इनिशियल यहां पर देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो किस फॉर्म में है, mgh1। जब ये यहां पर पहुंचा, अगर ये h1 है और ये h2 है, तो u2 is equal to क्या हो जाएगा, mgh2। तो परसेंटेज एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, u1 minus u2 upon u1 into 100। तो u1 कितना है, mgh1 minus mgh2 upon mgh1 into 100। अगर mg कॉमन लेंगे तो h1 minus h2 upon mgh1 into 100, तो mg कैंसिल हो जाएगा। यहां पर h1 का वैल्यू है 2 minus 1.5 upon 2 into 100, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो यहां पर 0.5 into 50, that is 25%। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट को स्वतंत्रता पूर्वक 2 मीटर हाइट से अगर गिराया जाता है, तो वो 2 मीटर रिबाउंड होकर के 2 मीटर तक नहीं आता है, उससे थोड़ा सा कम आता है, तो एक्चुअल में यहां पर थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है, उस एनर्जी लॉस जो होगा वो 25% होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ये।